भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत पर क्या बोला देखें। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। पंचकुला में अपने आवास पर उन्होंने आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश की बहनों के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर यह बड़ा तोहफा। उन्होंने कहा कि इस राहत से 33 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। काबिले जिक्र है कि केंद्र सरकार ने सभी घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पीएम उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को कुल 400 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के लिए एक तोहफा दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 200 रुपए की जो राहत गैस में दी है घरेलू गैस में, उससे 33 करोड़ उपभोक्ताओं को उसका लाभ पहुंचेगा। और विशेष लाभ मैं कहूंगा कि उज्ज्वला से जिनको गैस मिली है ऐसी बहनों को, उनको एक तरह से राहत पहले 200 रुपए मिलती थी, 200 और प्लस होकर 400 रुपए हो गई। तो ये रक्षाबंधन का पर्व बहनों के लिए एक विशेष तोहफा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, खुशियाँ बढ़ाने वाला पर्व है और एक बड़ी राहत जो है देश के घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार का, कैबिनेट का और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। रक्षाबंधन पर आप भी प्रदेश की बेटियों बहनों को और देश की बेटियों को क्या शुभकामनाएं? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं जो हमारे 3 विधायकों को, वसीम गोयल जी को, सिहाग जी को, अमित ढांडा जी को, जो अच्छे विधायक का, श्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार मिला है, उन तीनों को भी बधाई देता हूँ और प्रदेश की समस्त बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन का यह त्यौहार हम सब के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, विशेषकर बहनों के जीवन में और अधिक खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि ये त्यौहार बहनों को समर्पित रहता है। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस त्यौहार की मिठास और खुशी और बढ़ा दी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।